हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि निकाली गई है सरकारी नौकरी, आठवीं पास है ये जॉब। अगर आप आठवीं पास हैं तो ये सरकारी नौकरी आप ही के लिए है। बस्तर के सरकारी स्कूलों में निकली है शिक्षकों समेत लेखाकार सहायक पदों की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, टीचर्स की भर्ती है, टीचर्स की वैकेंसी है। अध्यापकों की भर्ती है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में। बस्तर में ये भर्ती निकाली गई है। कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। तो बता दूं आपको कि अस्थाई आधार पर व्याख्याता शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल सहायक, चपरासी, वृत्ति और प्रधान अध्यापक के पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आगे बता दूं आपको, पूरी डिटेल बताऊंगी आपको इस वीडियो में। पद कितने निकले हैं, 187 पद निकले हैं। व्याख्याता शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल सहायक, चौकीदार, वृत्ति और प्रधान अध्यापक। तो बता दूं आपको इसमें कितने पद हैं। प्रधान अध्यापक के 12 पद हैं, सहायक शिक्षक के 30 पद हैं, कंप्यूटर शिक्षक के 6 पद हैं, व्यायाम शिक्षक के 6 पद हैं, लैब टीचर के 18 पद हैं, ग्रंथपाल के 6 पद हैं, सहायक के 12 पद हैं, वृत्ति के 24 पद हैं, चौकीदार के 6 पद हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बस्तर अनिवार्य योग्यता की अगर बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 साल है, हो चुकी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से विषय में टीचर की भर्ती निकली है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, रसायन, भौतिकी, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित में निकली है शिक्षक शाला की भर्ती। सहायक शिक्षक की भर्ती निकली है कला विज्ञान में, प्रयोगशाला सहायक की विज्ञान में, प्रधान अध्यापक की भर्ती भी निकली है, चौकीदार की भी पद निकले हैं 6। अगर आप 8वीं पास हैं चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वृत्ति के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है। और व्यायाम शिक्षक के लिए अगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपने स्नातक परीक्षा की है BPED, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर व्याख्याता के लिए अप्लाई करना है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एवं BEd डिग्री अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक भर्ती का तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दे रही हूँ जिसके ज़रिए आप खुद पता कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि किस किस भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। ये फॉर्म है जो आपको भरकर जमा कराना है। ये फॉर्म इस वेबसाइट लिंक से आप निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आप इस पर पूरी डिटेल जानकारी देख जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी हर रोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी हर रोज़ आपको मिलती रहेगी। रिंक्स चॉइस चैनल पर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।